नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की कला और संस्कृति जगत को समर्पित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम रंग रंगीला राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। राजस्थान की संस्कृति अलौकिक है और ऐतिहासिक अतीत के समान अनूठी भी। राजस्थानी संस्कृति राज्य के रंगीन इतिहास को दर्शाती है, और यही वजह है कि हम राजस्थानियों को अपने लोक नृत्यों, पारंपरिक व्यंजनों, रंग रंगीले परिवेश पर नाज है। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर स्थित पाठ्य सभा भवन में श्री माथुर चतुर्वेदी महापरिषद जिला जयपुर की ओर से चतुर्वेदी समाज का सावन तीज उत्सव मनाया गया। आयोजन में महिला प्रकोष्ठ की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में समाज के वयोवृद्ध हरिकृष्ण चतुर्वेदी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में परिषद के प्रांतीय अधिवेशन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग का ब्रोशर भी जारी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापरिषद के राष्ट्रीय सभापति नीरज चतुर्वेदी ने बताया कि जयपुर में आगामी 13 और 14 सितंबर को जयपुर की मेजबानी में प्रांतीय अधिवेशन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में देश भर से समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष हद्वेश चतुर्वेदी, महामंत्री पीयूष पाणी चतुर्वेदी, जिला जयपुर के अध्यक्ष अलकेश चतुर्वेदी, संरक्षक पंकज चतुर्वेदी, नरेंद्र चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष सुनील चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। एवन टीवी के संपादक रमाकांत चतुर्वेदी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में केयू चतुर्वेदी की ओर से समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया। हाँ, निश्चित तौर से हम लोग महापरिषद के जो निर्देशानुसार हमें जो कार्य दिया गया था अखिल भारतीय और हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो हमें ये कार्य दिया गया था, उसमें मनोयोग से हमारे जो टीम है, जिले की टीम, उसने बहुत मेहनत की। आज श्रावण मास के इस हरियाली अमावस्या के महापर्व पर सुहागिनों का ही महापर्व है, और हम ऐसा मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और शिव शक्ति का ये जो माह है, ये सनातन के हिसाब से भी हमारे पूजा का विशेष महीना है। यहाँ सावन के महोत्सव में हम सब लोग मिलकर के सारी महिलाएं चतुर्वेदी समाज की ये महापरिषद के तत्वाधान में प्रोग्राम हो रहा है, और हम सभी लोग इसमें, सभी महिलाएं कजरी गीत गा रही हैं, सावन की मल्हारें गा रही हैं।